हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आगे जो भी वीडियो डालूं उसकी अपडेट आपके पास पहुंच जाए। आपने मीठे नीम की पत्तियां लीव्स तो ज़्यादातर देखी ही होंगी, जैसे कि हम किचन में यूज़ करते हैं मीठे नीम की लीव्स को। लेकिन मीठे नीम का सीड है जो इस प्रकार का होता है, ये हम डायरेक्ट अपनी ही नर्सरी में लगे हुए पेड़ से कलेक्ट किया हुआ बीज है। इसको हम डायरेक्ट ही बेड में ग्रो नहीं करते, मतलब पॉलीथीन में ग्रो नहीं करते हैं इसके। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये प्रक्रिया यूज़ करनी पड़ती है। इसके सीड कोड को ऊपर से हटाना पड़ता है और जो साइड में रखा हुआ है ये हम एक एक करके पॉलीथीन में डालेंगे। किस प्रकार की ग्रोइंग होगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये बहुत ही अच्छी, जैसे कि अभी ऐसा नहीं है कि इनको धोने के बाद हम बेड में ग्रोइंग करें या कुछ ऐसे, इस प्रकार से आप इसके सीड कोड को हटाकर डायरेक्ट ही पॉलीथीन में ग्रो कर सकते हैं। पॉलीथीन में किस प्रकार से हम मिट्टी, खाद, कोकोपिट किसका यूज़ करते हैं वो मैंने पहले बताया है कि हम किस प्रकार से रेसा लेते हैं कोकोपिट खाद और मिट्टी का, वो मैंने इसी चैनल पर पहले बताया हुआ है। जैसे हम जिस टाइम पर सीड ग्रो करते हैं तो मैं सीड ग्रोइंग की ज़्यादातर वीडियो लेकर आती हूँ, कटिंग करते हैं उस टाइम कटिंग की लेकर आती हूँ। अभी हम ये टाइम जो चलेगा ये सीड ग्रोइंग का ही चलेगा, क्योंकि हम सीड लगाएंगे, पॉलीथीन चेंज करेंगे। इस पर यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।